गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा मध्य प्रदेश में स्थायी लॉकडाउन को लेकर कोई प्लानिंग नहीं है। उपचुनाव को लेकर मिश्रा ने कहा वातावरण बीजेपी के पक्ष में है, इसलिए किसी खास रणनीति की जरूरत बीजेपी को नहीं है। लॉकडाउन की अफवाहों पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा लॉकडाउन को लेकर कोई भी प्रस्ताव शासन स्तर पर लंबित नहीं है। स्थानीय स्तर पर क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की अनुशंसा पर लगे आगे कोई फैसला लिया जा सकता है। फिलहाल लॉकडाउन को लेकर कोई प्लानिंग नहीं है और मध्य प्रदेश में स्थायी लॉकडाउन को लेकर कोई प्रस्ताव भी नहीं है। नहीं, इस तरह की अभी कोई भी प्लानिंग नहीं है कि स्थायी रूप से कोई लॉकडाउन किया जाए। अब जो भी निर्णय होता है स्थानीय स्तर पर होता है लॉकडाउन के बारे में। जैसे ग्वालियर की क्राइसिस कमेटी कल बैठी, उसने प्रस्तावित किया है, फिर हम निर्णय लेते हैं, जिलाधीश वहाँ के निर्णय लेते हैं, उन्हें दिक्कत आती है, वो राज्य से गृह विभाग से मार्गदर्शन। उपचुनाव को लेकर मिश्रा ने कहा कोई भी रणनीति को लेकर सवाल इसलिए नहीं है क्योंकि वातावरण बीजेपी के पक्ष में है, मोदी जी का और शिवराज जी का काम ही पर्याप्त है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष का वातावरण है देश के, प्रधानमंत्री मोदी जी का आभा मंडल, शिवराज सिंह जी की सरकार के काम और कांग्रेस सरकार की पिछले 15 महीने में जो उन्होंने किसान से नौजवान से धोखा दिया, जब इस सब का सम्मिश्रण जनता के सामने आता है तो वो सम्मिश्रण ही वातावरण का निर्माण कर देता है और भारतीय जनता पार्टी स्वतः जीतती और अग्रसर हो जाती है और हमें ही वर्चुअल रैली में भी वही सम्मिश्रण जनता के सामने रखना। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।